बाबू के कहीं भी जाते ना तो मायरा का तबीयत खराब हो जाता, मतलब कहीं इतना मिस, हम रो देते थे घर में, रूम में बैठ बैठ के रोते थे, इतना गुस्सा आ जाता तेज, हमको लगता है मेरा बच्चा कुछ गलत चीज सीख रहा है। और मम्मी बहुत दिन से बोल रहे थी एक वो स्टीक वाला जो पोछा नहीं होता है वो लाने, वो भी लाना है। फिर मायरा का बहुत कुछ खत्म हो गया, वो तीन कारण है, रीजन है तीन। अच्छा पहले हम फ्री हो जाए क्योंकि मम्मी खाना बना रही है, थोड़ा बहुत बर्तन धोएगा बस, अभी दादू के साथ टाइम, पापा को देख लेंगे ना तो पापा को, पापा का डू मतलब पापा जैसे जैसे करते हैं ना तो पापा को अगर देख लेगी तो पापा का नकल करने को सोच रही है कि हम दादू का नकल करें। देखना है बेटा। और हम कुछ परचेस किए हैं, हम आप लोग मेरा पैसा जो लोग हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अभी भी बताएंगे हम कहाँ से दिया अगर हमको अच्छे लगे तो। अभी तक उसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, हम सोचते कि अनबॉक्सिंग करते टाइम शॉर्ट बना देंगे क्योंकि आप लोगों को अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम सोचे शॉर्ट बनाएंगे इसलिए हम उसको रखे हैं। मेरा थोड़ा सा बर्तन है उसको साफ करने के बाद उसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, शॉर्ट में दिखाएंगे। आप लोग शॉर्ट जरूर जरूर चेक करना मेरा सारा शॉर्ट, ठीक है? चलो जल्दी काम कर ले, पहले काम प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बोल रहे थे कि आपके पास कितना पूछना है डायमंड रिंग का स्टार्टिंग प्राइस, ठीक ठीक आप सुनाई नहीं देता आपको? तो बाबू गए धनबाद, अभी वहाँ पे जहाँ पे है वो फर्स्ट क्राई से मायरा कपड़ा ले रहा है, और ठीक उसके आगे जो लोग धनबाद से वो उन लोगों को पता है उसके आगे तनिष क्या है हमको भी नहीं पता था, हमें वीडियो कॉल में दिखाए थे तो हम बोले कि चल जाइए और पूछ लीजिए। हम बताते हैं जो मॉल गए थे ना, जहाँ पे आप वो खरीदने फर्स्ट क्राय, जैसे घुसते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऊपर, सीढ़ी के जस्ट बगल में ही है एक है भैया, भी दिखाया वीडियो कॉल में। अरे आप उस दिन वीडियो कॉल में यूट्यूब पे देख रहे थे ना, वही उसी का था, गए उसमें तुम तो मायरा भी मम्मी के पास है, मम्मी मायरा को थोड़ा लूज मोशन हो रहा है क्योंकि ना उसका नीचे वाला टीका आ रहा है, पता नहीं ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि दादा तो ऐसे होता है बेबी लोग के साथ प्रॉब्लम, तो यही चीज डॉक्टर के पास जाके बोले थे तो डॉक्टर डांटने लगा, बोले ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग पढ़ा लिखा हो फिर भी आप लोग ये सब बिजनेस करते हो कि दांत आता है तो बच्चों को लूज मोशन होता है, पता नहीं जो चलता है वही पापा को पहले दिया था एक्सीडेंट। बहुत लोग पूछोगे कि आप तो फ्रेश हो गए थे दीदी लेकिन फिर कल वाला ब्रश क्यों पहने हो, उसका रीजन हम बताते हैं। ये सब वॉशिंग मशीन में वॉश होने देते हैं, वहाँ पे हम रख भी दिए थे लेकिन किचन में काम करने के बाद मेरा हालत कुछ पागल इस तरह हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम सोचे इस तरह हमको अभी बनना नहीं क्योंकि हमको आप लोगों ने वीडियो शूट करना है और यही ड्रेस में, क्योंकि ये ड्रेस कम्फर्टेबल है, मतलब ये ड्रेस मतलब अंदर जो पहने हैं। तो हम क्या किए, किचन में थोड़ा बहुत काम था, मम्मी सब कर दी थी, थोड़ा बहुत बर्तन था जिसको धुलना था और किचन अभी तक साफ नहीं हुआ, उसको साफ करने ही जा रहे तो किचन साफ करते हो तो हम बोले पागल की तरह हालत हो जाता है, तो इसीलिए हम सोचे इसको तो धुलना ही है, इसको ऊपर से पहन लेते, ये अगर गंदा भी होगा, ये ऑलरेडी हो चुका, देख सकते हो यहाँ पे आटा वगैरह लगा हुआ है क्योंकि किचन में काम होगा तो मेरा हालत ऐसे ही हो जाता है, तो इसलिए हम सोचे कि काम कर लेते हैं उसके बाद इसको रिमूव करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है?
तो चलो और थोड़ा बहुत काम मेरा बाकी ही है, उसके बाद हम आप लोगों के साथ बकर बकर करेंगे। तो देखो कितना सुस्त हो गए, सुस्त हो गए, तीन बार पोती किए। बोले मैं थोड़ू सा यहाँ पे दांत आ रहे, देखो आप लोग देख सकते हो, देखो इधर छोटू सा दांत आ रहे यहाँ पे, इसलिए तभी बोलो मम्मा को बोलो बोलो हम खाना खाए पर थोड़ू सा खाए, तू सा खाए। बेटा हाय, मम्मा एक बार हाय कर दो, एक बार हाय कर दो, एक बार हाय कर दो। मायरा कोशिश कर रही है, हंसी भर रही है, नहीं कर पा। अच्छा 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 मम्मा मम्मा एक फ्लाइंग किस कर दो। अरे शर्मा दी, मैं बड़ी शर्मा गई, समझे, शर्मा गई थोड़ा सा। जब अभी टाटा कर दो, बोला हम अभी सो के उसमें तब लोग मम्मा से बात करोगे, अब टाटा कर दो तो सबसे सबको टाटा करो, बाय। अच्छे से बाय बाय करो, अच्छे से बाय करो, बाय बाय। चलो सो जाओ, अब इसको हम सुलाएंगे। अब मेरी मम्मा को ला 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 ला। चलो सो जाओ, चलो इसको सुला लेते, इसके बाद मिलते हैं हम लोगों से। मायरा मायरा नो मायरा बाय तुई बाय कर, गुड नाइट, छुओ जाओ। आपको सुलाते सुलाते ना हमको खुद नींद आ गया था, और ऐसे होता ना जब भी बाबू कहीं ना कहीं भी जाते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, बाबू के कहीं भी जाता ना तो मायरा का तबीयत खराब हो जाता है, मतलब कहीं भी इतना मिस करते हैं, और पापा पापा बोलते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो जब से मायरा हुई है ना, मतलब हम भी बाबू कहीं जाते थे ना, हम पूरा बहुत ज़्यादा मिस करते थे, विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतना ना कि एक एक इतना करते थे ना कि एक एक टाइम में ना हमको, मतलब हम रो देते थे घर में, रूम में बैठ बैठ के रोते थे, मैसेज करते थे सैड सैड, मतलब स्टेटस लगाते थे मिस यू बाबू, मतलब ऐसे नहीं कि अभी नहीं मिस करते हैं, मतलब पहले जो तुलना में करते थे अब भी उससे बहुत कम, क्योंकि अभी मेरे पास मायरा है, और अभी बाबू जाते हैं तो मायरा बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बाबू को, उसका भी तबीयत खराब होता है, इसलिए हमको भी अच्छा नहीं लगता। अभी उसको कितना डांटे फिर सोई, और बाबू बोलते रहते कि तुम मायरा को क्यों डांटते हो, क्यों ये करते हो उस मायरा को, हम भी बहुत बहुत, मतलब हम खुद से भी ज़्यादा, बाबू से भी ज़्यादा मायरा को मानते हैं, मायरा को प्यार करते हैं, अगर उसको हम कुछ बोल रहे हैं ना तो उसके अच्छे के लिए। लेकिन ये बात है कि हमको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तेज, हमको लगता है मेरा बच्चा कुछ गलत चीज़ सीख रहा है, कुछ ये कर रहा है, ऐसे इसीलिए ना उसको पीट देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हमको पता है। हम उसको अभी भी हम कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको डांटे, अच्छे से वो चीज़ सिखाए, फिर ये करे बेचारी, उसको थोड़ा सा तबियत खा, थोड़ा सा बोल, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा लुसमोशन हो गया, मतलब हम लोगों का भी जब लुसमोशन होता है समझते हो, मतलब कितना तबियत खराब हो जाता है, हम लोग इतना बड़े में झेल नहीं पाते, वो तो छोटा सा बच्चा भी, उसका एक साल दो तीन दो महीना भी ठीक से नहीं हुआ, तो हम बाबू को फ़ोन किए थे, हम बोले कि अब आ जाओ यार, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको मायरा को भी नहीं अच्छा लग रहा, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा। और घर पे पता है सब कोई बहुत शांत रहता है मेरे घर में, आपको तो पता ही है, बस एक हम और बाबू ही है जो ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हाई चाई करते रहते हैं, और मतलब बाकी सब बहुत शांत है। शेखर भी बहुत शांत है, मतलब अब लोग बोल सकोगे कि शेखर तो है, वो भी बहुत ज़्यादा शांत है, मतलब एक हम और बाबू ही जो घर में हटपाटी करते हैं, और वो नहीं है तो अकेले हटपाटी करने में मज़ा नहीं आता, चुपचाप बैठे रहते हैं। ओम भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मायरा
अभी फोन के थे और वीडियो कॉल में बात करवाया मायरा को अपने पापा के साथ, तो देख के रोने लगा पापा। हम एक क्लिप रहेगा ना, हम साइड में ऐड कर देंगे, शायद उस टाइम वीडियो नहीं ले रहे थे। और क्या अभी उसका रिसेंट फेवरेट सॉन्ग पता है? सबसे प्यारा कौन है पापा। मतलब ये सॉन्ग सुन के वो खाना खाएगी, ये सॉन्ग मतलब यही सॉन्ग सुनेगी, उसको ये सॉन्ग इतना अच्छा लगता है। तो मायरा को सुबह चलते हम भी सो गए थे और हमको नींद ही नहीं खुला था, तो सोचे कि चलो थोड़ा सो के व्लॉग पे एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो व्लॉग बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। और सोचे है मूड ठीक करने के लिए थोड़ा सा जाए बाहर, हमको ऐसे भी कुछ काम है, मेरा कुछ कपड़ा स्टिच करना है और मेरा बर्थडे भी आ रहा है 1 जुलाई, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉपिंग मॉल जाए, देखते हैं कि क्या पहना जाए बर्थडे के दिन। मतलब ज़्यादा हैवी तो कुछ नहीं, स्लाइट कुछ अगर मिल गया ले लेंगे। और मम्मी के लिए भी कुछ लाना है, मम्मी बहुत दिन से बोल रहा है वो जो स्टिक पोछा टाइप का नहीं होता वो ला देने, तो मम्मी को बोले कि ठीक है फाइनली हम जा रहे हैं और आज हम मम्मी के लिए भी वो ला देंगे। और हम जल्दी जाएंगे, मायरा को थोड़ा बहुत कुछ खिला ले उसके बाद जाएंगे, अभी थोड़ा बहुत कुछ काम है उसको कंप्लीट करने के बाद। तो चलो, आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हम आप लोगों के लिए ढेर सारा अभी शॉर्ट बना रहे हैं, तो आप लोग शॉर्ट को भी अच्छे से प्यार देना। तो चलो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे व्लॉग के साथ, बाय बाय।